Assalamu alaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid and you are on the channel of Medicare. So as you know that we have started the practical of pharmaceutics too, and this is the experiment number 5 in which we have to prepare another elixirs. So in the previous experiment, which is the experiment number 4, we have also prepared an elixir, but the elixir is of a piperazine citrate elixir, and this elixir is used to treat the infections which are caused by some worms, some parasites. So it is an anti-alimentic, and we have discussed that how to prepare it. So now we have to prepare another elixir, which is paracetamol periodic elixir. It is just similar to the previous elixirs, mean the preparation is just similar, just the difference is of active ingredient, which is the paracetamol here. So aim, we have to prepare the 10 ml of this elixir. Apparatus you need for this experiment is you need beakers, you need glass rods, and you need measuring cylinder for it. Category, so this elixir is used as analgesic, it is used as a painkiller and antipyretic, so it is preventing the fever or decreasing the fever. So you know paracetamol we take like the Panadol, we eat it when we have fever, so it is antipyretic. So what is the principle of elixir? This explanation is just similar as the previous experiment. We have discussed what are the elixirs. So elixirs are the flavored hydroalcoholic solutions. Hydroalcoholic means they have alcohol as well as the water in them, and to which the glycerin is often added to enhance the solvent properties. So iske andar kuch cheeze hai jo hamesha same rahengi. लाइक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा था कि इसके अंदर एक तो वाटर होता है, एक इसके अंदर सिरप हम ऐड करते हैं, क्लोरोफॉर्म वाटर या क्लोरोफॉर्म स्पिरिट हम ऐड करते हैं, अल्कोहल होता है और साथ एक्टिव ड्रग इसके अंदर प्रेजेंट होता है. तो ग्लाइसरीन भी हम इसके अंदर डालते हैं, यहाँ पर इधर मैंने ग्लाइसरीन नहीं लिखा है, बट हम इसके अंदर ग्लाइसरीन भी डालते हैं. और ग्लाइसरीन क्यों डालते हैं? क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर रहा होता है. अल्कोहल विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोफॉर्म स्पिरिट इज एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव. तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोफॉर्म वाटर क्लोरोफॉर्म स्पिरिट की बजाय. अब क्लोरोफॉर्म स्पिरिट क्या होता है? और क्लोरोफॉर्म आपको पता है CHCl3, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो अनकॉन्शियस कर देता है पर्सन को. ठीक है, अगर हम क्लोरोफॉर्म वाटर की बात करते हैं, यानी मैंने क्लोरोफॉर्म को वाटर में डाल दिया है तो वो क्लोरोफॉर्म वाटर बन गया है. लेकिन एक होता है क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, जो यहाँ पर हमने बात की है कि अल्कोहल प्रेजेंट होता है क्लोरोफॉर्म स्पिरिट के अंदर. तो ये कैसे बनता है कि हमने जस्ट क्लोरोफॉर्म के अंदर अल्कोहल डाल देने, जब आप अल्कोहल डाल देते हैं तो वो बन जाता है क्लोरोफॉर्म स्पिरिट. ठीक है, और वो एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है तो वो आपके एलिक्सर को प्रिजर्व करके रखता है लंबे अरसे तक. और जो पैरासीटामोल इसके अंदर होता है, क्योंकि आपको पता है कि पैरासीटामोल का इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए हम इसका सिरप बनाते हैं, मतलब इसके अंदर सिरप ऐड करते हैं ताकि उसका टेस्ट सही रहे. तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये सिरप इसके अंदर जो है वो ऐड किया हुआ है. अच्छा ठीक है, सो पिछला जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने इसकी ये कंपोजिशन को याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया था, प्लीज़ कैरी द सिरप वाटर एंड ग्लाइसरीन स्वीटली. ठीक है, सो प्लीज़ के पी से बनता था हमारे पास पिपरेजिन सिट्रेट, और कैरी के सी से बनता था हमारे पास क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, सिरप से सिरप, वाटर से वाटर, और ग्लाइसरीन से ग्लाइसरीन. बिल्कुल ऐसे आपने इसको याद रखना है, प्लीज़ कैरी द क्लोरोफॉर्म द सिरप वाटर एंड द ग्लाइसरीन केयरफुली. तो वही की वही चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, जस्ट आपने इसकी वैल्यूज याद रखनी होगी. सिरप आपने इसके अंदर 28 ml डालना है, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट थोड़ा सा बस 2 ml, एथेनॉल अल्कोहल. अच्छा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म वाटर और अल्कोहल हमने कहा, यानी क्लोरोफॉर्म का जो वाटर हम ऐड करेंगे और एथेनॉल, यानी इसको अगर आप एथेनॉल और इसको अलग अलग नहीं लिखते तो आप इकट्ठा लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म स्पिरिट है बीच में, और साथ पैरासीटामोल जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो 2.4 ग्राम जो है वो इसके अंदर ऐड होगा. पिछले एक्सपेरिमेंट में जो हमने वैल्यूज देखी थी वो हमने देखा था कि जब पिपरेजिन सिट्रेट का हम बना रहे थे तो उसमें पिपरेजिन सिट्रेट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब सिरप के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू पिपरेजिन सिट्रेट की थी, बट यहाँ पर
पैरासीटामोल की वैल्यू कम है। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये लेबल एक बना लेना है बिल्कुल इसी तरह का, स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशंस वगैरह लिख देनी है, मैग्निफिकेशन डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह और इसकी कंपोजिशन वगैरह का लेबल एक ड्रॉ करने, रिजल्ट्स भी आपने लिख देने हैं कि आपने बनाया पैरासीटामोल एलिक्सर का सिरप। ठीक है, द एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू द एलिक्सर्स मे कॉज टर्बिडिटी और सेपरेशन बाय लेसिंग द अल्कोहल द कंसेंट्रेट। तो वो कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन को ऐड करने से हो सकता है कि टर्बिडिटी हो जाए, तो अल्कोहल की कंसेंट्रेशन इस चीज़ को कम कर देती है, यानी अल्कोहल इस टर्बिडिटी से हमें बचा रहा है। प्रोसीजर क्या है, आपने सबसे पहले ग्लासवेयर्स को वॉश करना है, प्रिपेयर ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले आपने जो पैरासीटामोल है और वाटर है, 100 ml वाटर में 2.4 ग्राम पैरासीटामोल को डिजोल्व कर लेना है। ठीक है, फिर आपने एक और सोल्यूशन बनाना है जिसमें क्लोरोफॉर्म वाटर एथेनॉल वगैरह होगा, उससे बन जाएगा हमारे पास क्लोरोफॉर्म स्पिरिट। फिर आपने डिसॉल्व करना है ये जो पैरासीटामोल वाला ये वाला सोल्यूशन था और ये वाला सोल्यूशन था, इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करना है आप लोगों ने और ऐड कर देना है फिर उसके अंदर सिरप को। कंटिन्यूसली स्टेयर करना है, शेक करना है, क्योंकि टर्बिडिटी हो सकती है, तो इस वजह से आपने कंटिन्यूसली उसको शेक करते रहना है। फाइनली फिर आप ग्लिसरीन डाल के उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे। डिस्पेंस उसको किस तरह से करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे ग्लिसर टू द क्लीन और एम्बर्ड कलर कलर नैरो माउथेड ग्लास बोतल में डालेंगे। हमेशा जो भी एलिक्सर होगा उसे एम्बर्ड कलर ग्लास बोतल में डालना है ताकि वो लाइट से बच सके, और क्लोज कर दें थ्रूली विद द मेटालिक कैप पॉलिश एंड लेबल। ठीक है, तो उसको लेबल कर लें पॉलिश कैप के साथ, उसको क्लोज कर लें। नेक्स्ट कुछ स्टोरेज की कंडीशंस बताई हैं कि आपने उसको स्टोर करना है एक कूल प्लेस पे। ठीक है, क्लोज कंटेनर के अंदर, टेम्परेचर आपको 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। डायरेक्शंस दी हुई हैं कि डेली आपने 5 से 10 ml डिवाइडेड डोजेस में लेना है, यानी एक अगर 5 ml मॉर्निंग में और 5 ml नाइट में। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं आप, या अगर आपने 5 ml लेना है तो 3 ml सुबह और 2 ml शाम को, इस तरह भी आप ले सकते हैं। Not the analgesic compresses a class of drug that is designed to relieve the pain. ठीक है, वो बता रहे हैं कि analgesic वो drugs होती हैं जो pain से relieve करती हैं without causing the unconsciousness. तो ये आपको unconscious नहीं करती हैं, यानी आप पे बेहोशी ये तारी नहीं करेंगी, लेकिन आपके दर्द को relieve करेंगी। एक दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं anesthetic. एनेस्थेटिक जो है वो भी पेन को रिलीव करते हैं, वो भी आपके दर्द को खत्म करते हैं, बट वो साथ कॉन्शियसनेस देते हैं, यानी उससे आपको आप अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं, आप अपने होश आवाज़ में नहीं रहते। तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट, बहुत ही आसान सा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम एक एलिक्सर को बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों का आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हमारी बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 6 सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।